हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। बच्चों, हम लोग क्लास टेंथ की जो मैथमेटिक्स है इसका लेशन नंबर 9 त्रिकोणमितीय अनुपात एवं आशंकाओं के बारे में पढ़ रहे थे। बच्चों, कल हम लोगों ने अभ्यास प्रश्न 9.1 का प्रश्न नंबर पहला सॉल्व किया था। जो भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया था उसको हमने सॉल्व किया था। बच्चों, आज हम अभ्यास प्रश्न 9.1 के प्रश्न नंबर दूसरे को सॉल्व करेंगे। बच्चों, इसमें दे रखा है कि कॉस थीटा बराबर 1/3। कॉस थीटा का मान कितना दिया है बच्चों? 1/3 दिया है। फिर कह रहा है कि तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा का मान हम लोग को दे रखा है और पूछ रहा है कि साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम लिखेंगे हल और हल में लिखेंगे कि दिया है। जो भी प्रश्न में लिखा होता है या जो भी प्रश्न में दिया होता है हम उसको यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। बच्चों, हम लोग को क्या दे रखा है? हम लोग को दे रखा है कॉस थीटा बराबर कितना दिया है बच्चों? 1/3 दिया है। कॉस थीटा का मान हम लोग को पता है, 1/3 पता है। कल बच्चों हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा था, आप सबको याद होगा, लाल बटे कक्का। हम लोगों ने सीखा था लाल बटे कक्का। जो बीच वाला होता है बच्चों, ये जो बीच वाला पोर्शन है ये बेसिकली किसके लिए होता है? कॉस के लिए होता है। तब बच्चों आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा बराबर 1/3 दिया है। जो एक है इसका मतलब ये आपको आधार दे रखा है, और जो ये तीन है ये आपको क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है। अर्थात बच्चों, आपको पता है कॉस थीटा बराबर 1/3, यानी आपको आधार और कर्ण पता है और लंब आपको ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना रखा है। त्रिभुज में जो कोण होता है, इस कोण के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, और जो ये 90° का एंगल शो करता है इसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अब बच्चों, इसे हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे आधार। ये हमें क्या दे रखा है? आधार दे रखा है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें हमें कर्ण बराबर पता है। कर्ण बराबर कितना पता है बच्चों? 3 पता है। और आधार बराबर कितना पता है? 1। लंब हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब लंब हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो कल हम लोगों ने हम लोगों ने चर्चा किया था कि यदि हमें कोई दो भुजाएं दे रखी हैं तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं। अब बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस की प्रमेय से। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पाइथागोरस की परमेय से। अब बच्चों, पाइथागोरस की परमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस की परमेय यह होती है कि कर्ण का स्क्वायर यह बराबर होता है लंब के स्क्वायर के और प्लस आधार के स्क्वायर के। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान हमें दे रखा है, कर्ण का मान कितना पता है? 3। यहां लिख देंगे 3 और ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर बराबर। लंब तो बच्चों हमको ज्ञात ही करना है, तो लंब को हम ऐसे लिख लेंगे जैसे दिया हुआ है, लंब स्क्वायर प्लस आधार का मान बच्चों हमको कितना दे रखा है? 1। सो यहाँ 1 लिख देंगे, 1 का स्क्वायर। 3 का वर्ग करेंगे तो बच्चों कितना निकल कर आएगा? 9 निकल कर आएगा, 9 आएगा, और ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। बच्चों, जब हम 1 का वर्ग करते हैं तो 1 का वर्ग की वैल्यू, 1 के वर्ग का मान हमेशा 1 ही होता है। सो 1 के वर्ग का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, लंब स्क्वायर, लंब का मान हमें ज्ञात करना है, लंब के साथ में प्लस का 1 दे रखा है। जब हम इसको इधर लेकर आएंगे बराबर के तो किस में हो जाएगा बच्चों? कल हम लोगों ने चर्चा किया था, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि जब कोई वैल्यू प्लस में लिखी होती है और जब बराबर के उधर भेजते हैं तो वह माइनस में हो जाता है। प्लस में 1 दिया, इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा। अर्थात बच्चों, हम यहाँ लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा। अब बच्चों, हम 9 में से 1 को घटाएंगे
तो जब बच्चों 9 में से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 8 बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब इधर हम प्रश्न को हल करेंगे। जब हम इधर से स्क्वायर को हटा देंगे तो क्या लग जाता था बच्चों, अंडर रूट लग जाता था। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अंडर रूट 8 को देखो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, क्योंकि बच्चों 4 दुनी 8 होता है, तो हम अंडर रूट 8 को 4 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तब बच्चों यहाँ पे हो जाएगा ये लंब बराबर, ये 4 बाहर आएगा रूट से तो कितना हो जाएगा, 2, और अंडर रूट में कितना लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा। कल बच्चों हमने समझा था अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। निकालने का तरीका भी आपको बताया गया था। तो लंब का जो हमने मान निकाला है बच्चों, वो लंब का मान कितना निकल कर आया है, 2, अंडर रूट 2 निकल कर आया है। अब क्या कह रहा था बच्चों कि तब साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो हम यहां लिखेंगे कि तब साइन थीटा बराबर हमको ज्ञात करना है बच्चों। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है, हमने कल सीखा था। लाल बटे कक्का आप लिखकर आप जान सकते हैं। तो बच्चों साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो हम साइन थीटा बराबर इसका फार्मूला लिख लेंगे कि क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है। तो ये लंब बटे कड़ हो गया, सो हम यहां लिखेंगे साइन थीटा, और ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा, लंब का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, 2, अंडर रूट 2, और जो कड़ है कड़ का मान कितना दिया है बच्चों, 3 दिया है, तो हम यहां लिख देंगे 3। और यही हमसे वो ज्ञात करने के लिए कह रहा था कि यदि कॉस थीटा बराबर 1/3 दिया है, तब आप साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों साइन थीटा का मान निकल कर आया है 2√2/3। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों अब हम अभ्यास प्रश्न 9.1 का प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। बच्चों इसमें दिया है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 2 से ही 3/5, बच्चों ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दे रखा है। कितना दिया है बच्चों, कॉसेक थीटा बराबर 2 से ही 3/5। तो टेन थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे कि दिया है, क्या दे रखा है बच्चों, इसमें दे रखा है कॉसेक थीटा बराबर 2 से ही 3/5। बच्चों जब इस प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं, तब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सर्वप्रथम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं। अब देखिएगा बच्चों परिवर्तित कैसे करते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सो हम यहां लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा बच्चों सर्वप्रथम जो भी यहाँ पे लिखा होता है हर में, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 दुनी कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा, और 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। 5 दुनी 10 और 3 इसको जोड़ देते हैं, तो 5 दुनी 10 और 3 कितना हो गया, 13। ये हो गया आपका 13/5, अर्थात बच्चों कॉसेक थीटा बराबर हमको पता चल गया 13/5। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना अब आप सीख गए होंगे। देखिएगा एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं, जो भी यहाँ हर में लिखा है इसको गुणा करते हैं इससे, तो 5 दुनी 10 हो जाएगा, फिर इस नंबर को जोड़ लेते हैं, तो 5 दुनी 10 और 3 कितना हो गया, 13, तो हो जाएगा 13/5। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, देखिए हम लोगों ने लाल बटे कक्का का जो ट्रिक था वो हम लोगों ने सीख रखा है, लाल बटे कक्का। अब देखिएगा कॉसेक किसका उल्टा होता है, याद करिए बच्चों कॉसेक उल्टा होता है साइन का। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कड़, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा कड़ बटे लंब। आप देखिएगा कल वाले वीडियो में आपको समझाया गया था, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, कड़ बटे लंब, ये ऊपर वाला हो जाएगा कड़ और ये नीचे वाला आपका हो जाएगा लंब। अब इसमें दिया है बच्चों कड़ बराबर हम लोग को कितना दे रखा है, कड़ बराबर 13 दे रखा है, और लंब बराबर हमको कितना दे रखा है, 5, और आधार हमको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। अब आधार कैसे हम ज्ञात करते हैं, आधार हम ज्ञात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, तो हम यहां लिखेंगे पाइथागोरस
कोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय। अब बच्चों पाइथागोरस परिमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस परिमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, कर्ण का मान हम लोग को कितना रखा है? 13। तो कर्ण की जगह लिखेंगे हम लोग 13 का वर्ग कर देंगे बराबर। लंब बच्चों कितना रखा है हम लोग को? 5। तो यहां लिख देंगे 5 का वर्ग प्लस आधार। आधार बच्चों क्या करना है हम लोग को? ज्ञात करना है। ये हो गया आधार का वर्ग। यहां तक बच्चों आप समझ पा रहे होंगे। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है 169। 5 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 25 प्लस आधार का वर्ग हो जाएगा। यहां तक बच्चों आप समझ पाए होंगे। अब देखिएगा बच्चों, ये इधर प्लस में लिखा है, जब हम इसको इधर भेजेंगे तो किसमें हो जाएगा बच्चों? माइनस में हो जाएगा। पर हमने बताया था यदि कोई वैल्यू बराबर के उधर प्लस में लिखी होती है तो इधर लेकर आते तो किसमें हो जाती है? माइनस में हो जाती है। अब हम इसको इधर भेज देंगे तो 169 माइनस 25 माइनस 25 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? आधार का वर्ग। यहां तक आप समझ पाए होंगे। अब 169 में से 25 घटाएंगे तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। और ध्यान दीजिएगा 1 तो आपका ऐसे ही एज इट इज उतर आएगा और ये आपका हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब बच्चों इधर देखते हैं, आधार स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आया है? तो आधार स्क्वायर बराबर आपका आया है 144। यहां हम लिखेंगे कि आधार का स्क्वायर करेंगे और इसके बराबर कितना है बच्चों? 144। अब बच्चों जैसे हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे, जैसे ही हम आधार से स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों इधर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। कल हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की थी। ये हो गया अंडर रूट में 144। अब अंडर रूट 144 का मान हम सबको पता है कितना होता है? अंडर रूट 144 की वैल्यू कितनी होती है? 12 होती है। हम लोगों ने आधार का मान कितना निकाल लिया है बच्चों? 12। यहां लिख देंगे आधार बराबर हम लोगों ने कितना निकाला? 12। कह रहा था तब tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब बच्चों बहुत इजी हो गया। जब आपको सारी भुजाओं के मान ज्ञात कर ले जाते हैं तब प्रश्न लगाना बहुत आसान हो जाता है। देखिएगा बच्चों, हम यहां लिखेंगे तब कितना है बच्चों? tan थीटा। अब tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये ट्रिक यदि आपको पता है तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? लंब बटे आधार। ठीक बात है, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ध्यान दीजिएगा tan थीटा, लंब का मान कितना दिया है बच्चों? 5, तो लिख देंगे 5। आधार कितना निकला है बच्चों? 12, तो लिख देंगे 12। तो tan थीटा बराबर कितना निकला है बच्चों? 12 निकला। कह रहा था और cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो यहां लिखेंगे और cos थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? आधार बटे कर्ण। यहां लिखेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर हो जाएगा cos थीटा। आधार का मान कितना दिया है बच्चों? 12 भी हमने ज्ञात किया है। कर्ण का मान कितना दिया था? 13, तो ये हो गया 13। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए यहां पर हम लोगों ने tan थीटा का मान भी मान निकाल दिया है, cos थीटा का भी मान निकाल लिया है बच्चों।
इस प्रकार के प्रश्न को जब इन प्रॉपर में दिया रहे, पहले प्रॉपर में चेंज कर लो, फिर आप उनकी जो भी अज्ञात भुजाएं हैं उन अज्ञात भुजाओं को आप ज्ञात कर लीजिए बच्चों, और फिर आप अपने प्रश्नों को हल कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।